हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चंस आए हैं सीएसआईआर नेट में, गेट में, या फिर अब तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं। मेरे को सिर्फ 3 या 4 पेपर ही मिले हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सिंगुलर सॉल्यूशन का तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब तक अपना क्या हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको कम्प्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। अभी हमने स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी, और प्लस जो अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वो साथ के साथ हम करते जा रहे हैं। लेकिन अब तक हमने जो भी किया है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा का जो सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 टू 2023 तक, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन पे आए हैं, ठीक है। देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हाँ अगर आपको देखना है कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमने कल ही जो लेक्चर लिया था उसमें हमने मेथड्स करवाए थे कि किस मेथड से हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा कर के आप अब मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, मेथड डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मेथड मैंने कल करवाया था। आप उस लेक्चर को देखिए, वहीं से आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, ओके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पुट करके देख लेना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी उसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपकी एक कंडीशन होती है सिंगुलर सॉल्यूशन में कि अगर वो सिंगुलर सॉल्यूशन है तो आपकी जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। अगर आपको लग रहा है कि वो डिफ़िकल्ट सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे सोल्व नहीं होगी कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन वाइज आपको पुट करके देखने हैं कि कौन सा सॉल्यूशन वहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये y डैश दिया है यानी कि dy अपॉन dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p, ठीक है। आपके पास क्या दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वेयर, यानी कि एक्स पी प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है। और आपके पास एक क्लैरियट इक्वेशन होती है, क्लैरियट इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अगर आपको इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है पी को डायरेक्ट सी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पी को डायरेक्ट सी पुट करोगे तो आपके पास आएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सी प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि दिस इम्प्लाइज सी स्क्वेयर प्लस सी एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, देन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सी डिस्क्रिमिनेंट मेथड, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, एंड बी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ए आपके पास 1 है, एंड सी आपके पास क्या है, माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक मेथड तो आपके पास ये होता है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ से आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। और आप चेक भी कर सकते हो, जो आपके पास ये सॉल्यूशन आया है इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या है, ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। ये तो आपका हुआ मेथड 1। अगर मैं अब बात करूँ मेथड 2 की, तो वो आपका क्या है, आप कैसे करोगे मेथड 2 से, देखिए मेथड 2 से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा, आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू
एक्स पी प्लस यहाँ पे है पी स्क्वेयर, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स वाई पी आपके पास क्या है वाई माइनस एक्स पी माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी एंड पुट इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू पी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपके पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स बाय टू, देन द वैल्यू ऑफ पी पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, देन वी गेट वाई माइनस एक्स, पी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ एक्स बाय टू माइनस ऑफ एक्स बाय टू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, देन वाई प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू एंड माइनस एक्स स्क्वेयर बाय फोर इज इक्वल टू जीरो, देन फोर वाई प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फोर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो इस मेथड से भी आपका यही आया है, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ओके। आप सी डिस्क्रिमिनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आप इस मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन को। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था, ओके। द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्लैरिटी इक्वेशन दे दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर वो क्लैरिटी इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है तो आप डायरेक्ट क्या करना, पी की जगह पे सी पुट करना। यहाँ पे देखिए क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेंड बाय एलिमिनेशन ऑफ पी बिटवीन द ओरिजिनल इक्वेशन एंड द इक्वेशन। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको क्लैरिटी इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पी को सी पुट कर देना है, ठीक है। देन वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ठीक है। या फिर यहाँ से तो शायद ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमें सी डिस्क्रिमिनेंट जब यूज करते हैं यानी कि यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए और हमें नहीं पता कि जो एफ ऑफ सी है वो क्या है, है ना। तो आप यहाँ पे वो दूसरा मेथड ही अप्लाई करना, क्या था दूसरा मेथड, एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई पी, एक्स वाई पी आपका क्या है यहाँ पे वाई माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ डेरिवेटिव पी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, दिस इज एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे आया हुआ है यही क्वेश्चन आपका, और यही क्वेश्चन आपने फर्स्ट देखा होगा कि एचपीएससी में भी आया हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए क्या है, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी इक्वेशन दे दी, क्लैरिटी इक्वेशन क्या थी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, अगर आपको इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पी को सी पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आएगा वाई इज इक्वल टू पी सी प्लस टू बाई सी, देन दिस इज वाई सी इज इक्वल टू पी सी स्क्वेयर प्लस टू, एंड दिस इज यहाँ से ये क्या आ जाएगा पी सी स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन बी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा बी स्क्वेयर आपके पास क्या है, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पी की जगह पे ही सी पुट किया ना, तो ये एक मिनट पी की जगह पे सी पुट करो, तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस यहाँ से क्या आएगा टू बाई सी, देन दिस इज वाई सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स प्लस टू, एंड दिस इज सी स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ वाई सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, देन बाय सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, एंड बी स्क्वेयर इज माइनस ऑफ वाई, देन वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर
ए क्या है आपके पास एक्स एंड सी इज टू इज इक्वल टू जीरो, देन वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एट एक्स. ओके तो यहाँ से क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, काफ़ी ईजी है सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना, पर अगर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक है, जो कल ही मैंने लेक्चर लिया है उसमें आपको मेथड्स ही करवाए हैं कि आप सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का. ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देखना पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे आना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन पी स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो इसको कैसे करोगे, ये भी आपका आरपीएससी का ही है. ठीक है, आरपीएससी में ही आया हुआ था ये क्वेश्चन भी आपका. तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक मिनट, एफ एक्स वाई पी क्या है, एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन पी स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी इज टू पी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस ऑफ टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी, टू पी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई एंड दिस इज पी इज इक्वल टू टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड टू से टू कैंसिल हो गया, इधर क्या रहा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन. अब जो पी की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन वन. तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल स्क्वेयर एंड दिस इज माइनस ऑफ टू एक्स वाई, पी आपके पास है एक्स वाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इधर आपके पास क्या रहेगा, ये रह गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है, मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर देती हूँ. ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे यहाँ से इरेज कर लीजिए. ये आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एलसीएम ले लेते हैं, देन दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस वन वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ये आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से क्या रहा, माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन एंड दिस इज वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन और कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन. तो यहाँ पे आपका जो सिंगुलर सॉल्यूशन है क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन का है. ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूँगी. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो उसका एक अलग से लेक्चर हम लेंगे और उसमें जितने भी अभी तक आए हैं सीएसआई या नेट में गेट में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्जाम हुए हैं उनमें, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर राइट हो गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये. ओके,
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो कैसे करोगे, देखिए एक्स स्क्वेयर वाई डैश माइनस टू एक्स वाई, क्योंकि मेरे को मेथड भी बताने हैं आपको कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इसको करूँगी। देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टू एक्स बाई एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज वाई डैश माइनस ऑफ टू बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे जो p ऑफ एक्स है वो क्या है, माइनस ऑफ टू बाई एक्स है एंड q ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, थ्री बाई एक्स स्क्वेयर है। अगर इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है लीनियर इक्वेशन तो हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या करना है, e रेज टू द पावर p ऑफ एक्स डी एक्स एंड देन दी सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे क्या होगा, इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ टू बाई एक्स डी एक्स एंड दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टू वन बाई एक्स डी एक्स एंड दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टू लॉग ऑफ एक्स एंड दिस इज ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस टू एंड दिस इज एक्स रेज टू द पावर माइनस टू एंड दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड द सॉल्यूशन क्या होगा, y into integrating factor is 1 by x square and this is integration of q of x is 3 by x square into 1 by x square dx plus c and this is y by x square is equal to 3 by x raised to the power 4 dx plus c और यहाँ से ये क्या आएगा, y by x square is equal to 3 x raised to the power minus 3 upon minus 3 and plus c, 3 से 3 cancel हो गया और यहाँ से आपके पास क्या रह गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और इधर आपके पास आया ये आपके पास आ गया, दिस इज वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब प्लस c x square and this is y is equal to minus of 1 by x plus c x square, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया ऑप्शन थर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सिंगुलर सॉल्यूशंस के जो भी मेरे को क्वेश्चंस मिले थे। एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी आपका इसी फॉर्म का है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया है ये भी इसी फॉर्म का है। देखो पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इज थ्री कोट ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर कोसिकेंट क्यूब एक्स, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए क्या आएगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री कोट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री और कोट ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग ऑफ साइन एक्स एंड यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड दिस इज साइन ऑफ क्यूब एक्स। ओके, then the solution is y into integrating factor is sine of cube x is equal to integration of q of x kya hai 3x square cosecant cube x into integrating factor is sine of cube x dx। okay, to ye kya hoga 3x square cosecant ko kya likh sakte hain hum 1 upon sine cube x into sine of cube x dx। तो साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स एंड दिस इज वाई इंटू साइन ऑफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी और ये क्या आ जाएगा वाई। ओके, यहीं पे इसने छोड़ दिया ऑप्शन को, इसी टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखो वाई साइन क्यूब एक्स
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, यानी कि यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है PDTechMath के नाम से ही, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, देन थैंक यू सो मच।